नमस्कार, आज बना रही हूँ केले के पराठे, जो कि टेस्ट में बिल्कुल आलू के पराठे की तरह ही होते हैं, पर केला ज़्यादा पौष्टिक होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पराठा बनाने के लिए नॉर्मल रोटी वाला आटा ले लेंगे। अब उसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। अगर व्रत के लिए बना रहे हैं तो आप राजगिरी का आटा या फिर सिंघाड़े का आटा से भी आटा बना सकते हैं। नमक इसमें रोज़ अपन डालते हैं आटे में, उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही डालेंगे, पराठे में अच्छा लगता है उसका टेस्ट। एक छोटा चम्मच काली तिल डाल रही हूँ, इससे अपना आटा पौष्टिक हो जाएगा। अब इन सब चीज़ों को आटे में मिला लेंगे। अब आटे में मैं तेल डाल रही हूँ, तो थोड़ा ज़्यादा तेल डाल देंगे मौन के लिए, ताकि ऊपर की जो परत है पराठे की वो कुरकुरी बने। करीबन 1.5 टेबल स्पून होगा ये। अब तेल को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं हाथ से पूरे तेल को आटे में मिक्स कर लूँगी अच्छे से। पानी डाल के इसका डो बना लेंगे, तो जैसे रोटी का होता है वैसे ही बनाएंगे। तो आटा मैंने लगा दिया है, अब इसको ढक के एक साइड में रख देते हैं थोड़ा फूलने के लिए। मैंने 4 केलों को स्टीम करके लिया है, पानी डाल के उबाला नहीं है। पानी डाल के उबालने से गीले हो जाते हैं, इसलिए आप स्टीम ही करना। तो स्टीम कैसे करते हैं, मैंने पहले जो वीडियो बनाया था टिक्की का, उसमें मैंने बताया है, तो आप देख लेना। केलों को बाहर निकालने के बाद में ठंडा करके ही इसके छिलके निकालेंगे, आराम से निकल जाते हैं सारे छिलके। मैंने छिलके सभी केलों से निकाल लिया है, और अब मैं इसे ग्रेट करूँगी, क्योंकि मेरे केले जो हैं गीले नहीं हैं, थोड़े अच्छे टाइट हैं। अगर आपके गीले हो गए हों, मान लो ज़्यादा पक गए हों, तो आप इसे चम्मच से भी मैश कर लें, पर अच्छे से मैश कर लेना। सभी केलों को मैंने कद्दूकस कर लिया है। तो बाइंडिंग के लिए मैं सिंघाड़े का आटा डाल रही हूँ, आप बेसन को थोड़ा सा भून के भी डाल सकते हैं। तो मैंने 3 चम्मच डाले हैं अभी, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़रूरत पड़े तो डाल सकते हैं अगर ज़्यादा गीला हो तो। 1 हरी मिर्च को मैंने बारीक काटा है, उसे डाल देंगे अब इसके अंदर। 1 छोटा चम्मच ग्रेट करके मैंने लहसुन रखा है, वो डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच पाव भाजी मसाला डाल देंगे। 1/2 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर डाल देंगे खटाई के लिए। 1 छोटा चम्मच नमक डाल रही हूँ, टेस्ट के अनुसार से डाल देंगे। 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर डाल रही हूँ, सीका हुआ है। 1/2 छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर डालूँगी। 1 छोटा चम्मच धनिया का पाउडर डालेंगे। 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। हरी मिर्च भी है और गरम मसाला भी है तो कम डालेंगे। पिंच हींग डाल रही हूँ, थोड़ी सी शक्कर डालेंगे, बैलेंस हो जाएगा खटाई वगैरह। अब सबको मिक्स करके मैं इसका डो बना लेती हूँ। केले से भी मैंने डो तैयार कर लिया है, और बहुत ही अच्छा टाइट बना हुआ है, तो इसी तरह से टाइट बनाना है, नहीं तो फिर अपन पराठे जब भरेंगे बेलने के समय में पूरन बाहर आ सकता है। अब थोड़ा सा तेल डाल के आटे को ठीक कर लेते हैं, जो अपन ने गूंथ के रखा था। तो मैंने आटा को ठीक कर लिया है, तो ये देखो ऐसा रोटी के जैसा ही होना चाहिए आटा, बहुत टाइट नहीं, कड़क नहीं करना आटे को, टाइट नहीं करना है। अब आटे से एक लोई बना लेंगे। अब उसके ऊपर सूखा आटा लगाकर पूड़ी बनाने शुरू करेंगे। कितना मोटा बनाना है उस अनुसार से आटा ले लेंगे, और उसकी थोड़ी सी पूड़ी बना देंगे पहले तो अंदर भरावन भरने के लिए। तो मैंने एक पूड़ी जैसा बना लिया है, और ये है अपना भरावन केले का, तो इसको डाल देंगे। तो जितना भी मोटा पसंद है उस अनुसार से इसमें डाल देंगे, जितना टेस्ट पसंद है उतना। अब ऐसे डाल के और इसको फैला देंगे थोड़ा सा, और अभी इस तरह से इसको जाएंगे और प्रेस करते जाएंगे, फिर ऐसे करेंगे और प्रेस करते जाएंगे। ऐसा करने से बाहर नहीं निकलता है पूरन, ऐसे दबा देंगे ताकि ये बाहर, जितना इनको इसको बाहर निकलना है उतना निकलता जाएगा। इस तरह से कर लेंगे, और जो ये बच जाता है तो इसको थोड़ा सा निकाल लेंगे, और जहाँ छूट गया है वहाँ पे लगा देंगे इस तरह से, और हाथ से ऐसे प्रेस कर देंगे, ऐसे लेवल कर लेंगे कहीं से इधर उधर हो गया हो तो, ताकि गोल कर लेंगे इसको। और अब इसे बेल लेंगे, थोड़ा सा आटा लगाएंगे पराठन के लिए, और इसको कितना मोटा पसंद है
उतना मोटा इसको बेलेंगे, और धीरे धीरे ही बेलना है, नहीं तो जोर से करेंगे तो फट सकता है। तो देखिए धीरे धीरे करते हैं तो नहीं फटता है। तो किसी को मोटा पसंद होता है, किसी को पतला पसंद होता है, मैं थोड़ा पतला ही बनाती हूँ, मेरे यहाँ सब पतले ही पसंद करते हैं। तो ये देखिए इतना पतला मैंने बनाया है, अब मैं सेकते हैं इसको। तो अब पराठे को बेल दिया है मैंने, और डाल देते हैं तवे पर और इसको सिकने देते हैं धीमी आंच में। जब एक तरफ से थोड़ा सिक जाए तो इसको पलट देंगे इस तरह से, और सिकने देंगे दूसरी तरफ भी। जब थोड़ा थोड़ा सा सिकने लगे तो इसको तेल लगाएंगे यहाँ पर। तो मैं तेल लगा लेती हूँ इसमें इस तरफ, और अभी तो सिम ही रखा है, बाद में इसको थोड़ा सा मीडियम कर देंगे, थोड़ा तेज़ कर देंगे आँच को। अब इसको पलट लेते हैं, आँच को मैंने मीडियम करा है, अब इधर भी तेल लगा लेते हैं, इधर भी तेल लगा लेते हैं, और आँच को बाद में फिर से मीडियम कर लेंगे, अभी नहीं करेंगे। अभी मीडियम कर दिया मैंने, और थोड़ा सिकने देंगे उस तरफ, और फिर इसको भी पलट देते हैं इस तरह से, और ये इससे दबा देंगे थोड़ा, ताकि जहाँ नहीं सिका वहाँ भी सिक जाए। और फिर से पलट देते हैं इसको इधर से, और देख लेते हैं, देखो कितना अच्छे से सिक गया है पराठा। बस ऐसे ही सेकना है सबको, आँच को अब कम कर देंगे, नहीं तो जल जाएगा। बस इस तरह से करारा सेकना है, जैसा पसंद है वैसा। तो देखो सिक के तैयार हो गया है पराठा, दोनों तरफ से देखो कितना अच्छा सिक गया है। बस ऐसे ही सब पराठे सिकना है, देखो कितना करारा सिका है। तो देखिए मैं काट के बताती हूँ अंदर से कैसा दिखता है ये। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है अंदर से। तो पराठे बहुत ही मस्त बने हैं और टेस्टी भी बहुत है। तो एक बार आप ज़रूर इस तरह से पराठे बनाएं केले के।